हेलो गाइस, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ए ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 एंड एबी प्लस एसी इक्वल 13। तो सबसे फर्स्ट अपने इसका क्या बनाएंगे, रफ स्केच बना लेंगे। ए बी सी, क्योंकि बी सी साइड अपने को गिवन है तो अपने बी सी को नीचे बेस में ले लिया। बी सी कितनी होगी 7, बी पे एंगल कितने को हो गया 75 और इन दोनों का सम क्या हो गया 13। अपने ड्रा करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट बी सी कितने का आर्क लगाएंगे, 7 का। सेवन सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया अपने बी सी। अब बी पे एंगल बनाना है 75 का एंगल बनाते हैं, बाय कंपास से बना लेते हैं अपने। फर्स्ट 60, 120, बीच में क्या जाएगा 90। अब अपने बना रहे हैं 75 का एंगल्स। फर्स्ट आर्क 60, सेकंड 120, 60 और 120 के बीच में एंगल किसका आ गया 90 का। जो 90 का बन गया, अब 60 और 90 के बीच में कौन सा आ जाएगा 75। जी अपने एक लाइन ड्रॉ कर ली बी एक्स, बी एक्स कौन सा एंगल वाली 75 डिग्री के एंगल से। अब देखो इन दोनों का सम क्या था 13 सेंटीमीटर, तो अपने अब क्या मेजर करेंगे, स्केल से 13 सेंटीमीटर कंपास में मेजर कर लेंगे। क्लियर। अब इसमें से आपने 30 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लेना है, कौन सी लाइन में से, बी एक्स वाली लाइन में से। ये था बी एक्स। अब मान लो ये पॉइंट आ गया आपके पास डी, डी पी ओ कुछ भी नाम दे सकते हो, अपने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, कौन से वाली को, जो बी से अपने बी एक्स में 30 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है। अब आपने क्या करना है, डी को सी से ज्वाइंट करना है, पॉइंट डी को पॉइंट सी से जॉइंट कर दिया। अब अपने क्या करना है, डी सी का हाफ, हाफ कैसे करते हैं, हाफ से ज्यादा, बाई सेक्ट का मीन्स हाफ होता है, हाफ से ज्यादा कंपास खोलेंगे, दोनों साइड आर्क लगाएंगे। अब इन आर्क्स को जॉइंट करते हैं, जो बी डी लाइन को कहां पे कट करेगी, बी डी लाइन को यहां पे जो कट करी है वो पॉइंट अपना कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। जो बी डी लाइन को जाए, जो आर्क वाई सेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं कट करेगा, तो उस पॉइंट को अपना नाम कौन सा देना है ए, और ए को अपने क्या करेंगे सी से जॉइंट करेंगे। अब आपके पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब आप इसको मेजर करोगे ना ए बी प्लस ए सी, तो ये ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर की होगी। चलो अपने चेक करते हैं, 5.2 की आ रही है लगभग, और ये 7.8, 8 और 7 और 5 12, 0.2 और 0.8 कितने हो गए 10, मींस 12 1 13। तो ये इन दोनों का सम आपके पास कितना रहे 13। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।